देहरादून में अपने ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या के आरोपी हरमीत को न्यायालय ने मंगलवार को 1,00,000 का जुर्माना व फांसी की सजा सुनाई। आपको बता दें कि हरमीत ने कैंट कोतवाली के आदर्श नगर में 24 अक्टूबर 2014 में पिता, सौतेली माँ, गर्भवती बहन व भांजी की चाकू गोद कर हत्या कर दी थी। न्यायालय ने आरोपी हरमीत को 5 हत्याओं का दोषी मानते हुए धारा 302, 307 और 316 में सजा सुनाई। हरमीत ने परिवार के 4 लोगों पर तकरीबन 90 बार चाकू से वार किया था। देखिए, देहरादून न्यायालय से ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि काफ़ी समय से पेंडिंग चला आ रहा था और आज न्यायालय ने अंतिम अपना निर्णय इसमें पारित किया है। अभी न्यायालय द्वारा निर्णय घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत 302 में फांसी की सजा मुकर्रर की गई और 50,000 रुपये के दंड से दंडित किया गया। 302 में 10 साल की सजा और 25,000 रुपये फाइन और 316 में 10 साल की वक्त की सजा और 25,000 रुपये फाइन से दंडित किया गया। मुख्य कारण क्या रहा इस पूरे हत्या का? मुख्य जो रहा इसमें बच्चे की गवाही अहम रही, जो इंजर्ड था और आई विटनेस अपनी बहन का आई विटनेस था, उसकी गवाही काफ़ी काम आई और जो चाकू तेज करने वाला व्यक्ति था उसकी भी गवाही काम आई। इस फैसले से हमने बहुत खुश हैं और 7 साल का लंबा हमने इंतज़ार देखा है। इसमें हमने दिन रात इसमें ये किया है और आज कोर्ट ने फैसला सुना करके, ऐतिहासिक फैसला उन्होंने सुनाया है और इसको सजाए जो फांसी का हुक्म सुनाया है, इससे हम बहुत खुश हैं सारे परिवार के लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, देहरादून।